सेंधवा, भाजपा राज में बढ़ती महंगाई पर शिवराज और स्मृति ईरानी पर सेंधवा विधायक ग्यारसीलाल रावत ने साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के समय जब डीजल 47 रुपए लीटर, पेट्रोल 56 रुपए था और गैस की टंकी 385 रुपए हुआ करती थी, तब शिवराज सिंह चौहान साइकिल से विधानसभा पहुंचे थे और स्मृति ईरानी सर पर गैस टंकी रखकर पार्लियामेंट पहुंची थी। अब इनको कोई शर्म नहीं आती, जहां पेट्रोल 105 रुपए लीटर हो गया है, डीजल 98 रुपए ही और गैस की टंकी 810 रुपए हो चुकी है। उस वक्त कांग्रेस को बड़ा ताना देते थे, लेकिन अब तो पता ही नहीं है कौन से नेता कहां है कहां नहीं। मैं तो आह्वान कर रहा हूं, जो भी स्मृति ईरानी को ढूंढ के लाएगा उसको हम हमारी ओर से 5,000 रुपए का इनाम देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, यह झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। आम आदमी की कमर जनता की कमर तोड़ दी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में अन्य राज्यों के तुलना में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा डीजल और पेट्रोल और गैस महंगा हो गया है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब 46 रुपए डीजल था और 56 रुपए पेट्रोल था और 385 रुपए गैस की टंकी थी। उस वक्त पे भारतीय जनता पार्टी के नेत्री स्मृता ईरानी अपने सर पर गैस की टंकी लेके पार्लियामेंट में गई थी और शिवराज सिंह साइकिल पर बैठकर विधानसभा गया था। अब उनको कोई शर्म नहीं आती, जो डीजल जो है 98 रुपए हो चुका है और पेट्रोल 105 रुपए हो गया है और गैस की टंकी 810 रुपए हो गई है। और उस वक्त पे कांग्रेस को बड़े ताना देते थे, लेकिन अब वो पते ही नहीं है कि कौन से नेता कहाँ है कहाँ नहीं। मैं तो आह्वान कर रहा हूँ कि जो भी स्मृति ईरानी को ढूंढ के लाया उसको हमारी तरफ से 5,000 रुपए उसको इनाम देंगे। और ऐसे मतलब झूठ बोल बोल के देश में गुमराह कर रहे हैं, आम जनता को कमर तोड़ दी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं है कि देश की जनता कहाँ जा रही है। उनको तो बस सिर्फ राज करो, झूठ बोलो,